हे गाइस, तो आज क्या करेंगे हम? आज हम करंट फीलिंग्स तो देखेंगे ही, आपके पर्सन का आपके लिए, और दूसरे तरफ से हम ये भी देखेंगे कि वो क्या खूबी आप में दिखते हैं। डेफिनेटली आपका क्या सबसे ज़्यादा चीज़ उनको पसंद है, और दूसरा है क्या आपके वो क्वालिटीज़ हैं जिनको वो थोड़ा सा नापसंद ज़रूर करते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस। लास्ट में हम इस ओरेकल से मैसेजेस को देखेंगे। दिस आर एक्चुअली मैसेज कार्ड्स, और हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। ऑल राइट, और अगर समय रहा तो हम इस ओरेकल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरेकल है, उसको हम देखेंगे। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइज। सो यूनिवर्स विद गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या महसूस करते हैं। प्लीज़ मदद करें यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू एंसेस्टर्स। प्लीज़ बताएं कि मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में उनके पार्टनर जो है एग्जैक्टली क्या फील करते हैं, क्या एहसास है उनका। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द एम्प्रेस। अच्छा, ये कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों है मैं आपको बताऊंगी। इट्स नॉट ओनली अबाउट एम्प्रेस बट द विल ऑफ फॉर्चून, द टू ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द मून। बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द फाइव ऑफ वैंड्स एंड द स्टार। ठीक है, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो कार्ड, वृश्चिक और मीन राशि। यहाँ पे है द मून कार्ड, पाइशिस। यहाँ पे है ओके लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है। ओके, सो आई डू फाइंड कि यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है आपके पर्सन, ये कार्ड को मैं डिफाइन करना चाहती हूँ। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स जैसे आप लोग बोलते ही है, एक तो है बोलते हैं कि लंबा हो रहा है रीडिंग, और दूसरा तरफ बोल रहे हैं कि नहीं, मंथ्स को भी बोलना है और डेट्स को भी। ठीक है, दोनों की तरफ रख देते हैं। 10, 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 9 दैट मीन्स 8, 9, 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 10 वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, एज वेल एज स्पेशली 10 आई कैन सी एंड 8 आई कैन सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर, ओके, एंड मे बी द सेप्टेम्बर मंथ ऑल्सो। बेसिकली आपके पर्सन, ये कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैं इस कार्ड के पीछे जो स्टोरी बोलने वाली हूँ बहुत ही शॉर्ट है, बट आप सुन सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से था कुछ ऐसे चीज़ कि आई डू फाइंड कि ये जो कार्ड है राइट, इसमें जो आप देख रहे हैं टू सिमिलर पीपल, राइट, शी इज़ द मदर एंड शी इज़ द चाइल्ड। बट आप अगर एक नज़र से देखें तो दोनों ही सिमिलर एक ही दिखते हैं, राइट। ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि माँ और बच्चा तो सेम ही, मोरल सेम दिखेगा, बट ये एग्जैक्टली है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे एक स्टोरी जो है कि ये जो माँ है, ठीक है, वो अपने बच्चे के लिए सारी कुर्बानी दिया था, एंड शी हैड ऑल द पेन्स इन हर लाइफ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, लेकिन उसने लास्ट दम तक, ठीक है, फाइट किया और अपने बीमारी को, बीमारी के साथ, और इसका जो है उसी का नाम पे रख दिया गया था। तो ये जो है, ये जो बेटी है उनकी, वो भी लास्ट में जाके इसकी डेथ हो रही है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे आई डू फील कि एक मॉम की और एक फीमेल और एक फेमिनिन एनर्जी की यहाँ पे जो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, यहाँ पे जो सेक्रीफाइस है, ओके, ये इंसान आपको उस कदर से मोहब्बत करते हैं
कि उनको आपका सब कुछ दिखता है। मे बी आपको लगता है ये इंसान बहुत हार्श है, बहुत एग्रेसिव है, बहुत रूड है, बहुत अपने ही धुन में रहते हैं, सिर्फ काम और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य और कुछ नहीं, कोई खास कुछ मज़ा नहीं आता है कभी कभी आपको रिलेशनशिप में, इसीलिए बिकॉज दे डोंट शो इट। और जब हमें कोई नहीं दिखाता है, नहीं रेसिप्रोकेट करते हैं, तो हमें वही लगता है जब कोई हिडन रखता है चीज़ों को। अरे प्यार है तो उसको एक्सप्रेस तो करो, बट दे डोंट एक्सप्रेस प्रॉपरली जिस तरह से आप चाहते हैं, दे डोंट एक्सप्रेस इन दैट मैनर। ठीक है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा जलन महसूस होता है अंदर से, और आपको लगता है शायद इसका इंटरेस्ट किसी और जगह पे है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ठीक है, बट मुझे दिख रहा है ये इंसान क्या महसूस करते हैं आपके लिए जो मैंने आपको कहा, और ये मानते हैं कि आप अपने जी जान लगा देंगे लेकिन आप अपने फैमिली को, अपने देश को, अपनी जो है आपके आसपास की चीज़ों को कभी भी, ठीक है, उनका हानि कभी भी नहीं पहुंचाएंगे और किसी को पहुंचाने भी नहीं देंगे। बिकॉज यू आर सो करेजियस, यू आर सो ब्रेव, आप बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, एडोरेबल है उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा साहस आप में है। आप अकेले ही बहुत सारे टफ सिचुएशंस को डील कर सकते हैं। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, वो ऐसे समझते हैं आपको, दैट यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, आपको खुद आपने बनाया है, किसी और के सिफारिश से आप बने नहीं हैं, आपकी किस्मत जैसे आप ही लिखते हैं, और यू आर द जस्ट यू कैन से अमेजिंग पर्सन। ठीक है, और ये इंसान की अगर हम फितरत देखें, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हैं अपने लाइफ में, डिसीजन लेते लेते लास्ट मोमेंट में बैक ऑफ कर जाते हैं। ओके, और जब आप मांगते हैं कमिटमेंट को, तब उनको बहुत तकलीफ़ होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, क्योंकि वो जब आप मांगते हैं एट ए टाइम कुछ उनसे आपने मांगा, ज़रूरी नहीं कि कमिटमेंट आपने मांगा, पर उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज उनका लक्ष्य है टू बिकम दिस, और टू बिकम दिस दे हैव टू टॉलरेट दिस। ऐसा बोला जाता है ना, इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ स्टार, इफ़ यू वॉन्ट टू बी सन, यू हैव टू बी बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूरज बनना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना भी तो पड़ेगा। सो इंसान मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से ना बहुत ज़्यादा पेन झेलते हैं, स्पेशली एट देयर वर्क प्लेस। शायद सबसे ज़्यादा काम तो यही करते हैं। इसी एट ऑफ पेंटिकल्स की अगर हम दूसरा रूप देखें, यही इंसान एम्परर के रूप में है, बिकॉज दिस पर्सन ये जो है बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं। मे बी दे आर लाइब्रेरियन ऑल्सो, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, परचेज मैनेजर हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर हो सकते हैं, ओके, स्टोर इंचार्ज हो सकते हैं, मतलब पाई पाई का हिसाब रखना पड़ता है उनको, ठीक है, कोई हो सकता है कि कैशियर हो, ठीक है, बहुत हेड कैशियर हो सकता है, राइट, फाइनेंशियल मैनेजर हो सकता है जो डीलिंग्स करते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स हर एक लॉकर्स का उनके पास डेफिनेटली चाबी होता ही है, बिकॉज दे आर द ड्यूटी मैनेजर, उस तरह से, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैंडलिंग पावर उनके पास है, इसलिए दिया गया है। और जब लोग क्या होते हैं ना, इतना ज़िंदगी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, दे आर सो बिज़ी, ठीक है, बहुत ही हेक्टिक लाइफ है इनकी, और इन्होंने जो खुद चूज़ किया है, नहीं भी कर सकते थे पर उन्होंने चूज़ किया है उनको, और सिर्फ पैसा छोड़कर उनको कुछ नहीं दिखता। इवन अगर इनको फसल भी दिखे तो भी ये हमेशा सोचेंगे, अरे इस फसल का तो इतना मिला, उस फसल का तो इतना मिला, मतलब हमेशा ऐसा प्रैक्टिस हो गया है, जैसे आदत हो गया है, जैसे आदत से मजबूर हो गए हैं, पैसे उनके लिए इतना प्रायोरिटी हो गया है कि इमोशनल जो चीज़ें हैं जैसे उनके लिए मायने ही नहीं रखता, आपको लगता होगा, बट दोज फीलिंग्स आर हिडन, दे आर स्टिल अंडर कवर है, जैसे होता है ना अंडर कवर एजेंट जो रहस्य निकल के लेके आता है सामने, सो दे आर अंडर कवर एजेंट, अंडरस्टूड। सो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जैसे होता है ना कि चांद में भी काले धब्बे होते हैं, सो दे आर लाइक दैट, मे बी हर एक एंगल से परफेक्ट होके भी कुछ ऐसे है उनके अंदर इम्परफेक्शंस जो शायद आप बिल्कुल पसंद नहीं करते।
एंड वो अपनी किस्मत को बार बार आजमाते हैं, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं अपनी लाइफ में। तो ये इंसान ऐसा भी सोचते हैं, अगर आप इनके डेस्टिनी में हैं तो मिलेंगे, वरना नहीं मिल सकते। बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, दे आर वेरी लॉजिकल, वेरी रैशनल। वो नहीं सोचते, इमोशनली नहीं सोचते उतना। स्टार्टिंग कार्ड ही विद द किंग ऑफ स्वर्ड्स आया है, सो मैं क्या बोलूँ यहाँ पे। और लास्ट कार्ड जो है यहाँ पे द स्टार है। स्टार्स cannot be so much emotional, they cannot be, except the healers category, ठीक है। अगर हम इनको celebrity के तौर से देखें, अगर हम इनको बहुत successful person के तौर से देखें, can a too much successful person become so much emotional? No. आप ढूंढ के देखो आज के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं। पहले ज़माने का बात मत करना, आज के ज़माने में to become like this you need the guts and stamina and you need to be very logical. So आप इनका माइंड सेट जान के रखो, ये बनना चाहते हैं एकदम फ्लॉलेस, मतलब इनकी ज़िंदगी में कोई भी कमी ना हो, कोई भी कुछ भी कहे, ये उस मुकाम पे पहुँचेंगे ज़रूर, चाहे ज़मीन आसमान उनको एक करना क्यों ना पड़े। So they will try at their level best, ठीक है। उनके लिए लव जो है वो एक सेकेंड प्रायोरिटी में आता है, आपके लिए लव फर्स्ट प्रायोरिटी में आते हैं, ठीक है। कुछ शत्रु है आप दोनों के इर्द गिर्द, जो जैसे होता है ना कि आप कुछ अच्छे काम करने जाओ और अपने ये अपने शुगर रख दिया, ठीक है, और आप सोचे कि उससे हम शुगर सिरप बनाएं, आके देखिए उसमें चींटी आ गया, राइट। तो शक्कर में चींटी आना जो है वो नॉर्मल बात है, लेकिन वो जो चींटी है वो आपके जो शुगर सिरप जो आप चाशनी बनाने वाले थे, ठीक है, उसको ख़राब कर दिया, राइट, एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट, ओके। सो उस तरह से है, चीटियाँ घूम रहे हैं आपके आसपास बहुत ज़्यादा, आप दोनों के इर्द गिर्द, और ख़राब करने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी इंसान हो सकते हैं जो थोड़ा सा फिज़िकली चैलेंज्ड इंसान हो, मैं आपको बोल रही हूँ, हो सकता है उनके फैमिली में, आपके फैमिली में फिजिकली चैलेंज्ड हो, मेंटली भी चैलेंज्ड नहीं है, फिजिकली चैलेंज्ड हो, आप देख लेना। या आपकी सोसाइटी में हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, उनमें से कोई है जो जिनका बहुत ही गंदा नज़र जो है आप दोनों के रिश्ते के ऊपर आ गिरा है, इसलिए आप दोनों के बीच में कभी कभी बहुत बड़ा युद्ध हो जाता है, कभी कभी उस एक्सप्लॉयटेशन तक बात चला जाता है। अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो भी आपके हस्बैंड जो है आपके लिए बिल्कुल समय नहीं दे पाते, अगर आप वाइफ है उनकी तो इस तरह से, ठीक है। आप अगर वाइफ है तो आप समय दे पाते हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यू आर जस्ट एक्सट्रीमली ओके, यू कैन से दैट सिंसियर इन योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, आप एम्प्रेस है यहाँ पे, ठीक है। सो आप जी जान लड़ोगे हर एक चीज़ को बैलेंस रखने के लिए, ऑफ कोर्स। और ये इंसान क्या करेंगे, पैसा कमाने के लिए कुछ भी, मतलब सेकंड ऑप्शन में रख देंगे फैमिली को, बच्चे को, ऑलराइट, जिसका जो बुरा इफेक्ट है वो आप दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर पड़ता ही है, क्योंकि जो इंसान इतना ज़्यादा वक्त अपने काम के ऊपर छोड़ देगा, ठीक है, तो उसके साथ ऐसा ही होगा। ठीक, बट आई डू फाइंड अगर ये एक यंग पर्सन है तो तभी भी माना जा सकता है, लेकिन अगर एज उनका ज़्यादा है तो माना ही नहीं जा सकता, राइट। हमेशा हर एक चीज़ को उन्होंने एक बहुत बड़ा मनी इज ऑल दैट मैटर्स ऐसा बना के छोड़ा है। कहीं ना कहीं पे एक पुराने घर देख लेंगे तो बोल देंगे इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर अच्छा डील मिला तो हम इसको खरीद लेते हैं। हमेशा डील, कॉन्ट्रैक्ट्स, नेगोशिएशन, ठीक है, पैसा कहाँ से बनाया जा सकता है, शॉर्टकट तरीका किस तरह से है, ये सब चीज़ों के ऊपर इनका सबसे ज़्यादा नज़र है। और बात आता है अगर आपके लिए फीलिंग्स क्या है, वो उनको पता है कि आप उनके लिए भले आप एक्सप्रेस नहीं करते हो या आप गुस्से में भी हो, तभी भी आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, वही है, आपका सोर्स भी वही है और डेस्टिनेशन भी वही है, आप जा ही नहीं पाते हो। एक ट्रेन, एक फ्लाइट का सोर्स अलग होगा और डेस्टिनेशन अलग होगा ना, लेकिन आपका क्या है, आपका सोर्स और डेस्टिनेशन वहीं पे आके रुक जाता है, आप जा ही नहीं पाते, मूव ऑन ही नहीं कर पाते हो।
ना मुझे यहाँ पे इस तरह से देखना है कि आपके पर्सन, आपके अंदर क्या कमियाँ और क्या खूबियाँ देखते हैं। पहले देख लेते हैं वो आपके अंदर क्या खूबियाँ देखते हैं। व्हाट डू दे लाइक ओके अबाउट यू। सो व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। योर पर्सन्स फेवरेट कलर कैन बी लाइट ग्रीन, पर्पल, कैन बी रेड, वायलेट कलर ओके। एंड दे कैन हैव पेट्स, पेट्स उनके पास हो सकते हैं ओके। आपको फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा चमकादार ही बोलते हैं ना उसको, हाँ बैट्स बहुत ज़्यादा दिख सकता है ओके। एंड यस बटरफ्लाइज की जगह पे मॉथ दिख सकता है। मॉथ वो मॉथ नहीं, MOTH, इट्स लाइक अ बटरफ्लाई बट इट इज़ अगली, लाइक मतलब आपको समझ में आ जाएगा। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ग्रे ग्रे कलर का होता है वो ओके। दैट इज कॉल्ड मॉथ ओके। सो व्हाट डू दे लाइक अबाउट यू। 10 of Cups, मैंने आपको कहा कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं या वो आपके पर्सन, आपको आपके अंदर वही उनको अच्छा लगता है। अगर आप इनके हस्बैंड है, सॉरी वाइफ है या हस्बैंड है, व्हाटएवर, लगता है कि आप सब कुछ मैनेज कर लेते हो। और कैसे आप मैनेज कर लेते हो उनके बिना, बहुत आप क्यूट है, बहुत आपको प्यार करने का मन करता है, हग करने का मन करता है ठीक है। रिलेशनशिप का स्टेटस आपके साथ इनका कुछ भी हो, चाहे अनमैरिड हो, चाहे आप लिव इन रिलेशनशिप में हो, सो ये इंसान आपके अंदर वो खूबियाँ देखते हैं कि आप एक फैमिली ठीक है बनाने में और उसको वृद्धि करने में, मतलब एक्सपैंड करने में और उनको खुशी देने में फर्स्ट हो। सो यू आर परफेक्ट फॉर अ बेस्ट कंपेनियन ठीक है। और देखते हैं द हाई प्रिस्टेस, मे बी आप बहुत अच्छा आध्यात्मिक जीवन में आप विलीन हो, बहुत ज़्यादा आप आध्यात्मिक है, बहुत कुछ आप जानते हैं। यू आर एक्सट्रीमली मैजिकल, यू आर जस्ट ग्लोइंग ओके। सो आपके अंदर वो खूबियाँ वो इस तरह से देखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही पावरफुल शक्ति को भी आप अपना बना के उसमें आप सक्सेस आपको मिलता है, बिकॉज यू आर दैट प्योर सोल। और आप बहुत सीक्रेटिव भी हैं, आप बहुत कुछ चीज़ उनसे छुपाते हैं, लेकिन वो छुपाना जो है वो कुछ इस तरह से नहीं है कि वो बहुत हाईली सीरियस मैटर है। आप इसलिए छुपाते हैं क्योंकि अगर वो लोगों के सामने आ जाए तो लोग शायद उस काम को करने नहीं देंगे या ब्लॉक कर देंगे आपके सक्सेस को, इसलिए आप छुपाते हैं। इवन कुछ एम्बिशंस आपके भी है जो उनको आप बोलते भी नहीं हैं। 4 of Pentacles, यस यू आर एक्सट्रीमली सीक्रेटिव, पॉजिटिव अबाउट देम, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो आप उनके लिए। आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो बार बार आप उनको लंच ब्रेक में ठीक है। सो इस तरह के एक्सपीरियंस होंगे आपके कि ये इन्होंने आपको बोला कि अभी फ़ोन रखो, अभी फ़ोन रख दो, बाद में फ़ोन करते, नहीं बोला, नहीं मुझे तेरे से अभी बात करना है, तो बात करेगा या नहीं करेगा। तो उन्होंने इस तरह से आप दोनों के बीच में, अभी मैं आ जाऊँ तुम्हारे घर में, तो बोले नहीं आप मत आओ, अभी आपके आपको मिलने के लिए मैं आ जाऊँ। तो ये इंसान इस तरह से सोचते हैं कि यस लव इज़ ओके बट पॉजिटिवनेस इज नॉट ओके। एंड जिस तरह से ये भी स्टार बनना चाहते हैं, उनको लगता है आप भी उनको हील करते हो, यू आर लाइक अ हीलर, इट इज़ नॉट ऑल अबाउट दैट स्टार, बट उनको लगता है आप उनकी डिफिकल्ट सिचुएशन पे आप हमेशा ही उनका साथ दोगे ठीक है। अभी देख लेते हैं कि वो आपके अंदर कौन सा चीज़ है जो डिसलाइक करते हैं, हो ही सकता है राइट ओके। हम थोड़ी ना परफेक्ट होंगे 100% कि सब लोग हमें 100% परफेक्ट बोलेंगे, सेल्फ प्रोक्लेम्ड फ्लॉलेस। ओके 6 of Wands, वो ऐसा सोचते हैं एरीज लियो सजिटेरियस ओके। सो वो ऐसा सोचते हैं कि आप यहाँ पे हैं कि आप अभी तक
जो भी आपने सक्सेस कमाया है आप और भी तरक्की कर सकते हो, और भी तरक्की कर सकते थे, बट कहीं ना कहीं पे आप बहुत फास्ट चले जाते हो, या आपके उनको लगता है आपकी सक्सेस और हो सकता था, लेकिन आपकी जो आई कैन से लाइक दैट कि आपके जो ओवर शोइंग टेंडेंसी है, या फ्लॉन्ट करते हो, आप शो करते हो आपके नॉलेज को, आपकी ब्यूटी को, आपके टैलेंट को, इसलिए शायद कुछ लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, या ये क्वालिटी वो टॉलरेट नहीं करते, बिकॉज दे आर ऑल्सो जेलस ऑफ यू, योर पर्सन इज ऑल्सो जेलस ऑफ यू, कि आप को अगर किसी ने मना कर दिया कि चलो मैं तुम्हारे साथ नहीं देना चाहता या नहीं देना चाहती, तो आप शायद बोल देते कोई बात नहीं, मैं अकेला ही हैंडल कर लूँगा, मैं अकेला ही हैंडल कर लूँगी। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस आपका है, मतलब उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से आप जेन्युइन हैं, उनके नज़रिए से देखें तो यू शो, मतलब आप थोड़ा भी अचीवमेंट कर लेंगे ना, शायद आप ढिंढोरा पीट देते हैं, मतलब उनको लगता है कि जितना सक्सेसफुल आप है नहीं, उतना आप दिखा देते हैं, सो दे डोंट लाइक दैट। ओके, ये उनकी ओपिनियन है, मेरे ऊपर गुस्सा मत करना वरना मैं तो मारूंगी, बिकॉज आई लव यू ऑल। स्ट्रेंथ, देखो उनको लगता है आपके अंदर क्या, उनको मतलब आप सबके साथ जेल हो जाते हैं, आप सबके साथ मिक्स हो जाता है, उनको अच्छा लगता है, लेकिन अगेन द क्रोन, इट मीन्स अगेन दिस इज द लियो पावर, इट इज़ द पावर स्ट्रेंथ कार्ड। मे बी अगर आप फीमेल है तो उनको तो और ज़्यादा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसा काम करते हैं जो मर्द लोग भी करने से डरते हैं, तो आप फेमिनिन है तो फेमिनिन रहिए, मतलब दे फील लाइक दैट। ठीक है, और इनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है, यू आर वेरी मच ऑल्सो लाइक दैट, कि आप शो करते हैं लोगों को कि देखो मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, आई डू हैव दिस पेट, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये मकान है। मे बी अगर आप नॉर्मली बोलते भी है ना, तो भी उनको लगता है ये बंदा या बंदी के अंदर तो ज़रूर बहुत बड़ा ही होगा, होगा ही होगा ये। ओके, द लेडी एंड द लॉर्ड, यस, उनको लगता है कि शायद आपके जीवन में और भी कुछ ऑप्शंस होंगे, पर शायद आप उनके साथ शेयर नहीं करते हो, ये भी है विद द हाई प्रिस्टेस यू डोंट शेयर, बट जो भी हो ठीक है, अगर आपके पास चॉइसेस है तो उनको आपको बोल दे, मतलब आपको उनको बोल देना चाहिए, ना कि छुपाना चाहिए। ये चीज़ जो छुपाते हो आप, शायद जब वो नहीं थे आपके ज़िंदगी में, जब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या बहुत दिन तक बात नहीं हुआ था, शायद आप दूसरे के साथ कोई भी कनेक्शन में मे बी इन्वॉल्व थे, मे बी नहीं थे, मे बी जस्ट बात ही करते थे, या आपको अच्छा लगता था वो दूसरा इंसान, तो इन्होंने ऐसा सोचा है कि शायद आप इनके साथ कुछ सीक्रेट और भी डीप अफेयर्स में चले गए, या आप उनको भी कब्जे में ले रहे हो और इनको भी ले रहे हो, तो आपका ये डिप्लोमेटिक नेचर उनको पसंद नहीं आता। ठीक है, और इट्स नॉट लाइक दैट कि जो भी वो सोच रहे हैं वो जेन्युइन हो और आप जो है वो गलत है, ये उनकी राय है, मेरा नहीं। ओके, लास्ट में ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। अच्छा, मेरा रीडिंग सही में बहुत बड़ा जा रहा है, राइट, बिकॉज मैं समझा रही हूँ। ओरेकल कार्ड से ये पता चल रहा है, दिस इज द एस ऑफ कप्स एंड 12 मंथ्स विद द 12 डेज, 12 वीक्स, मे बी विद इन अ ईयर सब कुछ सही हो जाएगा। रीजनरेशन, स्पिरिट एंड विजडम एंड लाइफ फोर्स, दोनों एक साथ फिर से रीयूनियन होगा, और अगर इस तरह से नहीं है, एक न्यू रिलेशनशिप का शुरुआत होगा। थोड़ा सा मैसेजेस हम देख लेते हैं, एंड करते हैं रीडिंग को। सो लेट मी सी, ओनली वन कार्ड। ओके, नो मैटर हाउ मेनी इयर्स पास बाय इन आवर मैरिज, देयर विल बी टू मोमेंट्स व्हेन आई विल लाइक टू बी विथ यू नाउ एंड फॉर एवर, लव यू माई स्वीटी। जैसे वो बोल रहे हैं कि जितना भी अगर मैरिज हुआ आपके साथ, अभी भी अगर आप मैरिड हैं, तो भी बोल रहे हैं कि दो मोमेंट है जो वो आपके साथ जीना चाहते हैं, वो है अभी और हमेशा ही।
सो लव यू माई स्वीटी. सो दिस इज ऑल एज फॉर टूडे. आई होप यू लाइक इट. इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टेरोसिस. फॉर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव यू लॉट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.